शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रि की तिथियां क्या हैं, कब कब हैं इनके समय, कलश घट की स्थापना कब की जाए, अष्टमी महानिशा का पूजन कब किया जाए, भगवती माँ का प्रवेश इस बार घोड़े पे हो रहा है, क्या ये शुभ है या अशुभ है, महानिशा पूजन की तिथि क्या है, कन्या पूजन की तिथि क्या है, हवन विसर्जन की तिथि क्या है, व्रत पारण क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। पूरी एक नवरात्र की प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे इससे पहले हमारे लोगों ने देखा होगा श्राद्ध की हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। उत्तम नारायण पांडे जी के सहयोग से निरंतर आपको शारदीय नवरात्र के, गुप्त नवरात्र के और बहुत सारी चीज़ें इसके विषय में आपको मिलती चली जाएंगी। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि कौन सा मंत्र जाप करें, मंत्र की सिद्धि कैसे करें, शाबर मंत्र कौन सा करे, रामरक्षा स्तोत्र का पाठ इसमें कैसे करे, जो खेतरी बोई जाती हैं माँ की इनसे भी प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। नारियल का बड़ा विधान है नवरात्रों में, नारियल में विचित्र सी आकृतियाँ आने लगती हैं, नारियल में फूल बर्ड्स सी दिखाई देने लगती हैं, नारियल के अंदर एक दूसरा नारियल दिखाई देने लगता है। इनका प्रयोग किस तरीके से करें और किस तरीके से इनको भाग्यशाली बनाएं, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। बस आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आपको शारदीय नवरात्र में मिल जाएगी। उत्तम नारायण पांडे जी नवरात्र की तिथियों का बहुत ही संक्षिप्त सा विवरण दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट होगा। इसके बियॉन्ड जाना है तो फिर देखिए, एक चीज जरूर देखी जाती है कि जो लोकल टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो ये तिथियां तो वही रहेंगी लगभग, और जो समय है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि ये जो समय होता है, टाइम होता है, ये डिपेंड करता है, पंचांग टू पंचांग वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस लेटिट्यूड वाइज वेरी करता है ये, तो वो अपने अकॉर्डिंगली देख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज जरूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिले। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आज शारदीय नवरात्र 2021 के संबंध में कुछ प्रामाणिक चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक है। षष्ठी तिथि का यानी छठे दिन का क्षय होने से नवरात्रि इस वर्ष 8 दिनों की ही है। प्रथम दिवस भगवती शैलपुत्री के पूजन का जो दिवस है, दिन में उस दिन प्रतिपदा जो है 3:28 तक है। उसमें कलश स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वो दिन में 11:36 से 12:24 तक है। चूंकि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में नवरात्रि आरंभ का कलश स्थापन वर्जित है, इसलिए जो समय मैंने बताया 11:36 से 12:24 इस समय का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तुरंग यानी कि घोड़े पर हो रहा है, जो सामान्य रूप से अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए भगवती का विशेष पूजन अर्चन सभी सनातन धर्म को मानने वालों को करना चाहिए। आगे मैं बता दे रहा हूँ प्रतिदिन की तिथि किस समय से किस समय तक है। 7 अक्टूबर को प्रतिपदा दिन में 3:26 तक है। 8 अक्टूबर को द्वितीया दिन में 1:27 तक। 9 अक्टूबर को तृतीया दिन में 11:14 तक। 10 अक्टूबर को चतुर्थी 8:52 तक दिन में, और 11 अक्टूबर को पंचमी प्रातःकाल 6:27 तक। और षष्ठी तिथि का इस वर्ष 6 है, इसलिए सप्तमी 12 अक्टूबर को 1:48 रात्रि तक, 13 अक्टूबर को अष्टमी 11:41 रात्रि तक, 14 अक्टूबर को नवमी तिथि 9:59 तक रात्रि तक है। इस वर्ष अष्टमी को होने वाला जो महानिशा पूजन होगा वो 13 अक्टूबर को रात्रि 11:18 से 12:06 के मध्य होगा, और जो कन्या पूजन होगा वो 14 अक्टूबर को और हवन भी 14 अक्टूबर को ही होगा। जो 9 दिनों तक व्रत रहते हैं उनके व्रत का जो पारण होगा वो 15 अक्टूबर को होगा, और जो मूर्ति की स्थापना करते हैं उनके लिए प्रतिमा का जो विसर्जन होगा वो श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। तो आशा करता हूँ कि नवरात्रि से संबंधित तिथियों का भ्रम आपका दूर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा रह जाए तो कमेंट में आप पूछ लें, उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सीताराम।